family, this is Mansoor and you are watching Vortex Evolution. Thank you so much for love and support. Guys, आज मैं बात करूंगा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के बारे में. अगर आप चैनल पे नए हैं, डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूंगा, यू विल गेट द नोटिफिकेशन. गाइस, जब भी हम वर्कआउट की बात करते हैं, एक कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड मसल टू माइंड कनेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शाम को जिम जाते हैं, ओवरऑल जो भी आपने दिन में काम किया है उसकी वजह से आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और फाइनली आप जिम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. या सुबह की बात करेंगे, बिकॉज ऑफ स्लीप आप थोड़ा डिजीनेस फील करते हैं जो असर डालता है आपके वर्कआउट पे. तो ऐसा क्या लिया जाए जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर फोकस बना रहे, कॉन्सेंट्रेशन बना रहे जिम के अंदर, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट. सो सप्लीमेंट को सिंपली डिफाइन करें तो विच यू एड अपॉन अपार्ट फ्रॉम योर डाइट एंड न्यूट्रिशन. वेल, अगर मार्केट की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं गाइस. फॉर एग्जांपल, हमारे पास C4 है, साइकोटेक है, टोटल वॉर, वोटेक्स, 10x, स्पार्क, फ्रीक, नेक्स्ट लेवल, हाइट, वाइल्ड पैंथर, बहुत सारे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं. तो गाइस, हम ये सप्लीमेंट्स लेते क्यों हैं? बिकॉज इससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है, फोकस्ड रहते हैं, हम जिम में ओवरऑल अपना परफॉर्म अच्छा कर पाए. तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने की कि इनमें ऐसी क्या चीज होती है जो हमें कॉन्सेंट्रेशन देता है, फोकस देता है. वेल, अगर सारे सप्लीमेंट्स की बात करेंगे गाइस, उसमें बीटा एलेनिन होता है, क्रीटीन होता है, एल कार्नेटीन होता है, एल सिट्रुलिन होता है, बहुत सारी चीजें होती है गाइस. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो सबके अंदर प्रेजेंट होता है, सारे प्री वर्कआउट जितनों का मैंने नाम बोला या जितनों का मैंने नाम नहीं बोला, सबके अंदर होता है, जो बैक करता है आपके फोकस को, कॉन्सेंट्रेशन को, दैट इज कॉल्ड कैफीन गाइस. कैफीन, कैफीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक प्री वर्कआउट में मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है, आप फोकस्ड बना रहते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि गाइस, जितने भी प्री वर्कआउट्स हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक 1000, 2000, 3000, तो हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है. तो गाइस, इसका अल्टरनेटिव क्या है? गाइस, इसका अल्टरनेटिव सबसे अच्छा है बेस्ड ऑन साइंस, ये कि जो एलिमेंट इन सब के अंदर प्रेजेंट है, अगर वही एलिमेंट हम भी नॉर्मली ले लें, लाइक अगर हम डायरेक्ट कैफीन ले लेंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट कैफीन कैसे आएगा गाइस? सिंपल, कॉफी. यस गाइस, कॉफी यही है कैफीन जो उन सारे वर्कआउट सप्लीमेंट्स के अंदर है. इट इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. नेस्केफे या कोई भी ब्रांड ले लीजिए, आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी काइंड ऑफ ब्रांड. आप चाहे तो ये सैशे भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, बट इट शुड बी कॉफी ओनली. गाइस, समझना होगा कैफीन हमारी बॉडी में करता क्या है. पहला, इट स्टिमुलेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अवॉइड डिजीनेस, ताकि हमें नींद ना आए. सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हमारे ब्रेन रिसेप्टर्स को ये एक्टिव करता है, और ये डायुरेटिक इन नेचर होता है, मतलब ये हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट का जो कंटेंट होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है. डोसेज की बात की जाए तो बेस्ड ऑन साइंस, 300 मिलीग्राम से ज्यादा वन टाइम इसको यूज ना करें, बिकॉज अगर उससे ज्यादा यूज कर लिया तो आपकी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं, लाइक डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नौशिया हो सकता है, इवन आपको नींद भी नहीं आएगी, बिकॉज ये 6 से 7 घंटे तक आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है. वैसे भी रिकमेंडेशन है कि सोने से पहले आप इसको यूज ना करें, और गाइज रिकमेंड है ऑलवेज विद वाटर, आप इसको शुगर, मिल्क वो सारा एड ना करें अगर आप इसको अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो. गाइज, एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक जब आप इसको बनाएंगे तो 200 मिलीग्राम से ज्यादा आप इसको यूज ना करें. यूज हॉट और कोल्ड वाटर बोथ केसेस में, जैसा आपको ठीक लगे. अगर आप मॉर्निंग में जिम जाते हैं तो पहला जो आपका फर्स्ट मील इन द मॉर्निंग होता है, आपका ओट्स होगा या जो भी होगा, उसके डाइजेशन होने के बाद 15 से 20 मिनट जब आपके वर्कआउट को रहे हुए, तो आप ये कंज्यूम करें कॉफी. शाम की बात करेंगे तो आपका जो फोर्थ मील होगा, जब आपको ये लगे कि वो पूरा डाइजेस्ट हो गया है, और अपने वर्कआउट शाम के वर्कआउट से पहले 15 से 20 मिनट पहले आप ये प्री वर्कआउट ड्रिंक ले लेंगे. अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉफी को कैसे बनाना है प्री वर्कआउट ड्रिंक.
चीजें सजेस्ट करूंगा, पहला ये कि आपको ये देखना है कि आपकी ट्रेनिंग इतनी इंटेंसिव है, इतना हाई वॉल्यूम है उसके अंदर कि आपको कॉफी एज ए प्री वर्कआउट जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिम जाते हैं वो भी 10 टू 20 मिनट्स में आपका वर्कआउट खत्म हो गया और आप स्टिल कॉफी ले रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ट्रेनिंग हार्ड है आप पूरा फोकस्ड रहना चाहिए, जो मैंने कहा मसल टू माइंड कनेक्शन बना रहना चाहिए, उसके लिए आप कॉफी एज ए प्री वर्कआउट इस्तेमाल करें। गाइस सेकंड थिंग ये कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप टोटली डिपेंड हो जाओ इस पे कि जिस दिन आपको कॉफी एज ए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट नहीं मिलेगा तो आप जिम ही नहीं जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। कॉफी को आप तब प्री वर्कआउट में यूज कर सकते हैं जब आपका मन नहीं लग रहा हो, आप बहुत थक चुके हैं और आपको जिम भी नहीं छूटना चाहिए, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई लव यू ऑल। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।